बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं वनीला केक, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, ये 1 है और ये 1.5 है, और 2 से 3 अदद अंडे चाहिए, 1 टेबल स्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है और वनीला एसेंस लिया है, 1 कप हमें चाहिए शुगर पाउडर, 250 ग्राम हमें चाहिए ये बटर, आप घर का बना लें या बाज़ार से ले लें, फ्रेश बटर होना चाहिए। चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब अंडे हम बाउल में डालते हैं तोड़ के इनको। एग हम डाल के इसको हैंड बीटर से तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हमने बीट कर दें, ताकि अच्छी तरह ये बीट हो जाए और ये स्मूथ हो जाए। ज़रा तो मैंने इतना बीट किया कि ये देखें स्मूथ सा हो गया और ये देखें झाग सी भी बन गई है। इसमें हम अब डाल रहे हैं शुगर पाउडर 1 कप, थोड़ा थोड़ा करके डालें और साथ साथ बीटर चलाते रहें। ये देखें अभी थोड़ी थोड़ी ना इसकी चीनी की आवाज़ आ रही है, हालांकि हमने इसको पाउडर बनाया था, लेकिन बिल्कुल ये स्मूथ हो जाएगा ना जब फिर आपने छोड़ना तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसे आप बीट करें। ये अच्छी तरह बीट हो चुका है, इसमें शुगर पाउडर भी अच्छी तरह से बीट हो चुका है, ये देखिए फोम सी बन गई है। इसमें अब हम बटर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके अंदर इसको अच्छे से अब मिक्स कर दें बटर को, ताकि वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको 5 मिनट तक हमने बीट करना है, फिर इसके अंदर हल्के हल्के से मैदा डालना है। अब हम इसमें मैदा डाल रहे हैं और हल्का हल्का छानते रहेंगे और साथ साथ बीटर हिलाते रहेंगे। जितना ज़्यादा बीट होगा उतना ही केक ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनेगा और मज़े का होगा। अगर ज़्यादा गहरा हो जाए, आपसे बीटर ना चले, तो इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, कि ये ज़रा सा लिक्विड पेस्ट बन जाए। 1 टेबल स्पून हमने वनीला एसेंस डाल दिए, बेकिंग पाउडर, बिल्कुल अब स्मूथ हो रहा है, हिल नहीं रहा बीटर से। हम इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून इसमें दूध शामिल करेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स होना शुरू हो जाए और ज़रा लिक्विड सा हो जाए। अब हम इसमें एक अल्मीनियम का हमने ये बाउल लिया है, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल के इसको सारे फैला देंगे अच्छे से। पेपर पे भी ऑयल डाल के इसको आप अच्छे से ग्रीस कर लें, ताकि ये फैला रहे हैं इसको अच्छे से। और हमने इसको भी ऑयल लगा दिया है, ये सांचे को, कि इस तरह से आप ये बिल्कुल ठीक हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त बीट किया है इसके। और अब हम इसे सांचे में डालेंगे। बगैर ओवन के हम ये केक बीट कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनेगा। अच्छे से बाउल में से अपना सारा ये मेज़ा निकाल लें। तक ये हमने दवा लिया, कोई भी आप पुराना सा दवा ले लें, इसे हमने प्री हीट कर लिया है, आग जला के तकरीबन 3 से 4 मिनट तक प्री हीट हो चुका है। इसे हम अच्छे से टैप कर लें, ताकि इसमें कोई बबल ना रहे और ये अच्छे से बिल्कुल बैठ जाए। इसको अब हमने तवे के ऊपर, तवा बिल्कुल प्री हीट हो चुका है, इसे तवे पे रख दिया हमने, और इसके ऊपर आप कोई सा भी ढक्कन दे दें और इसको ढक दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आप इसे ढक दें, और बीच में आप देख सकते हैं इसको, ये हमने 15 मिनट के बाद देखा है, नीचे से प्री हीट हो चुका है केक और ऊपर से अभी रहता है। तकरीबन 15 मिनट और लगेंगे, और ये देखें स्टिक भी हमारी गिल्ली आ रही है, इसे अब ढक देते हैं दोबारा से। ये ऊपर से हमारा केक अभी बेक नहीं हुआ, इसको हम इसके ऊपर दूसरा ढक्कन अच्छे से हमने गर्म कर दिया, ढक्कन को दूसरे चूल्हे पे इसके ऊपर दे देते हैं, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। ये केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, ये केक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से पेपर अलग कर दें,
ये देखिए माशाल्लाह से केक हमारा बहुत ही लाजवाब बहुत मज़े का बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और चाय के साथ या वैसे ही बच्चों को आप दें, बहुत मज़े का बनेगा। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखें ये देखिए कितना स्पंची केक है, ये देखें कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये देखें जी अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट है, अभी गर्म है और धुएँ उठ रहे हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। जो हमारे चैनल पे नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।